नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मायके जा रही महिला के बैग से 8.5 लाख के गहने चोरी। पांवटा साहिब में अतिक्रमण पर नगर परिषद का डंडा। दिव्य हिमाचल टीवी की खबर का हुआ असर। सुजानपुर में गिरी भगवान राम की 30 फुट ऊंची प्रतिमा। तेज हवाएं और खराब मौसम बताया जा रहा कारण। पालमपुर पहुंचा मिस हिमाचल 2023 का कारवां। पहाड़ की बेटियों ने दिखाया हुनर। नवनियुक्त चेयरमैन संजय सिंह चौहान ने संभाला कार्यभार। अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत बच्चों के साथ बस में बैठी बलद्वाड़ा की महिला के बैग से करीब 8.5 लाख रुपए के आभूषण चोरी हो गए हैं। महिला का कहना है कि संभवतः उसके साथ बस में बैठे कुछ व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सुंदरनगर थाना में महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। महिला मंजू शर्मा पत्नी दिनेश कुमार निवासी गांव भोरन अपने मायके बोबर जाने वाली बस में बैठी थी। इस दौरान अन्य सामान के साथ उसके पास एक बैग था जिसमें बच्चों के कपड़े, शादी समारोह में दिए जाने वाले कपड़ों के साथ स्वर्ण आभूषण एक लिफाफे में डालकर रखे गए थे। ये बैग उसने पिछली सीट पर रखा था। मामले की पुष्टि DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है। मेरा नाम मंजू ठाकुर है। मैं सुंदरनगर से बोबर बस में भाई की शादी के लिए जा रही थी और मेरे साथ एक बैठा और उस और चलती बस में 3 और बैठे और ने मेरे बैग से गहने वाली थाली निकाली बस स्टैंड से सिनेमा चौक के बीच में। जब वो उतरा था उसने बोला कि पीछे अपने बैग के पास आ जाओ और पुलिस तो कार्रवाई करिए अपने जल्द से जल्द की जाए। मेरा नाम दिनेश है और मेरी वाइफ का नाम मंजू है। जो 10 तारीख को सुंदरनगर टू बोबर जा रही थी शादी के लिए, अपने भाई की शादी के लिए, और मतलब बस स्टैंड से कुछ एक साथी बैठे हुए थे और उन्होंने सिनेमा चौक के बीच में उनके बैग से एक थैला जो जिसमें गहने थे और वो निकाल लिया गया है। और कई जगह हमने इसकी कंप्लेंट भी की है पुलिस में और पुलिस इसकी कार्रवाई तो कर रही है। अब कई जगह इनकी CCTV फुटेज भी आई हुई है। जो साथी है इसमें 6 साथी जो है जिनकी फुटेज आ गई है और उनके हाथ में ये थैला भी है। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ये जल्द से जल्द इस केस को सुलझ जाए। और इस कितनी कीमत है इसकी? सर मतलब करीबन ये 8.5 लाख के करीब इसकी कीमत है। पांवटा साहिब के मुख्य बाजार व सिविल अस्पताल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद का डंडा चला है। दिव्य हिमाचल टीवी पर खबर प्रसारित होते ही नगर परिषद हरकत में आई, जिसके बाद व्यापारियों के विरोध बावजूद अतिक्रमण की मुहिम शुरू कर दी गई है। बता दें कि नगर परिषद की टीम मुख्य बाजार और बांगरण चौराहे पर पहुंची और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा से सामान आधी सड़क किनारे लगाया गया तो खैर नहीं होगी। रेड़ी फड़ी वालों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि एक जगह अपने लिए सुनिश्चित करें और उसी जगह पर अपनी रेड़ी लगाएं ताकि जाम न लगे। उधर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने कहा कि उनकी टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर परिषद पांवटा साहब ने, जैसे कि आपको विदित है कि शहर के जहां भी ट्रैफिक वगैरह जाम हो रही थी या रेड़ी फड़ी लगी थी या दुकानदार भाइयों ने अपना दुकान से बाहर सामान रखा हुआ था, वो हमने नगर परिषद में 3-4 दिन पहले मुस्तमनियादी करा दी थी। सबको रिक्वेस्ट कर दी थी कि अपना अपना सामान जो है सड़कों से हटा के अपनी दुकानों में रखें और जो अथोराइज रेड़ियाँ हैं वही जो उनको प्लेस दिए गए हैं वहाँ पे लगाएं। बहुत सी रेड़ियाँ जो है अनऑथराइज और इस तरह के स्टॉल लोगों ने लगा दिए थे, उसके ऊपर जो है आज नगर परिषद ने अपना एक्शन जो है 2 बजे के बाद शुरू कर दिया है। और पुनः हमने दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध किया है कि सड़कों पे कृपया अपना सामान न रखें, दुकान के अंदर रखें ताकि सड़कों में आवागमन, ट्रैफिक, लोगों को आना जाना सुविधाजनक रहे। और जो रेड़ियाँ और जो फड़ियाँ ऐसे लगी हुई थी जो अनऑथराइज थी उनके ऊपर एक्शन कंटिन्यू जारी रहेगा और जो अथराइज लोग हैं उनको जो प्लेस दिए गए हैं वहाँ पर रखें। ये कंटिन्यू हमारा जो अतिक्रमण अभियान है जारी रहेगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता।
प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1 लाख तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग FM। सुजानपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम में लगी भगवान राम की भव्य प्रतिमा गिर गई है। देर शाम को यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय धाम में कोई नहीं था। बहरहाल सूचना मिलते ही खंड विकास अधिकारी, पंचायत प्रधान, उप प्रधान मौके पर पहुंच गए। मूर्ति गिरने का कारण तेज हवाएं और खराब मौसम का होना बताया जा रहा है। मूर्ति करीब 30 फुट ऊंची थी। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2023 का कारवां बुधवार को पालमपुर पहुंच गया। इस दौरान पालमपुर के ऑडिशन में युवतियों ने मंच पर जबरदस्त कैटवॉक किया और जजेस को इम्प्रेस किया। बता दें कि इस बार फाइनल राउंड में मिस हिमाचल 2023 का खिताब जीतने वाली युवती को 1 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा, जबकि बुद्धमल ज्वेलर्स पालमपुर सोने के आभूषण देंगे। दिव्य हिमाचल द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं मेगा इवेंट मिस हिमाचल के मुख्य प्रायोजक अर्नी यूनिवर्सिटी व सह प्रायोजक डाबर आमला हेयर ऑयल है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के नवनियुक्त चेयरमैन संजय सिंह चौहान ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कार्यभार सौंपा है उसे वह निभाने का प्रयास करेंगे। संजय सिंह चौहान जिला कांगड़ा के पालमपुर के सलोह गांव के निवासी हैं। वह कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष भी हैं और वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुलह के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि हमारी प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं और उनके आशीर्वाद से मैं इस बैंक का चेयरमैन बना हूं। आज पहला दिन है, आज मैंने कार्यभार संभाला है। जो MD साहब हैं उन्होंने कुछ मेरे को ब्रीफ किया है, उसके अनुसार आने वाले समय में हम बैंक को एक नई दिशा देंगे। खासकर जो महिलाएँ, बेरोजगार युवा हैं और जो कृषक हैं उनको ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे बढ़ाएंगे। राज्य है निश्चित तौर पे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी जो उनका जो ध्यान है वो महिलाओं की तरफ है और इसी को लेकर हम अपने बैंक को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप निश्चित तौर पे जो हमें जिम्मेवारी दी है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री जी ने आज तक जो पार्टी में मुझे जिम्मेवारियाँ दी हैं हमने बखूबी निभाया है और इस जिम्मेवारी को भी हम अपनी क्षमता के अनुसार निभाएंगे। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।